यानी कि लकवा। पैरालिसिस को आमतौर पर लकवा, पक्षाघात, ब्रेन अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में हर साल 15 से 16 लाख लोग इसकी चपेट में आते हैं। सही जानकारी ना होने या फिर समय पर इलाज ना मिलने के कारण इनमें से एक तिहाई लोगों की मौत हो जाती है, जबकि करीब एक तिहाई लोग अपंग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा और आज मैं आप सबको बताऊंगी पैरालिसिस यानी कि लकवा के बारे में, इसके कारण, इसके लक्षण और इससे बचने के कुछ उपाय। चलिए शुरू करते हैं। पैरालिसिस यानी कि लकवा क्या है? दिमाग हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है और पैरालिसिस का सीधा ताल्लुक दिमाग से होता है। दरअसल शरीर के सभी पार्ट्स और कामकाज का कंट्रोल दिमाग से होता है। बोलने, चलने, फिरने, देखने जैसे सभी काम दिमाग के कंट्रोल में होते हैं। जब दिमाग के खून की नलियों में कोई खराबी आ जाती है तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, जो कि पैरालिसिस की वजह बनता है। अगर दिमाग के अंदर की नली फट जाती है तो खून बाहर निकलकर जम जाता है, इसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। जब खून ज्यादा निकलता है तो सर के अंदर का दबाव बढ़ जाता है और इससे दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस बढ़ते दबाव की वजह से सिर दर्द या फिर उल्टी होने लगती है। ज्यादा दबाव पड़ने पर बेहोशी, पैरालिसिस, सांस अटकने का कारण बनता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पैरालिसिस अचानक होता है। अक्सर पेशेंट रात में खाना खाकर ठीक ठाक सोने के लिए जाता है, सुबह उठता है तो पता चलता है कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, खड़े होने की कोशिश करता है तो गिर जाता है। कई बार दिन में काम करते या खड़े खड़े या बैठे बैठे अचानक पैरालिसिस हो जाता है। हेमरेज अक्सर तेज सर दर्द और वोमिटिंग से शुरू होता है और बेहोशी आने लगती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दिमाग का दायां हिस्सा बाईं ओर के पार्ट को कंट्रोल करता है और बायां हिस्सा दाईं ओर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ऐसे में अगर दिमाग के दाएं हिस्से में दिक्कत होती है तो बाएं हाथ पैरों में दिक्कत आती है और बाएं में गड़बड़ी होती है तो दाएं हाथ पैरों में असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, पैरालिसिस के कारण यानी कि कॉजेज ये हैं। आमतौर पर यह रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट या फिर क्षति के कारण होता है। इसके अलावा कुछ कारण ये भी हैं, जैसे कि नंबर एक स्ट्रोक, नंबर दो ट्रोमा, नंबर तीन पोलियो, नंबर चार ब्रेन पेल्सी, नंबर पाँच पेरीफेरल न्यूरोपैथी, नंबर छः हाई ब्लड प्रेशर, नंबर सात डायबिटीज, नंबर आठ स्मोकिंग, नंबर नौ कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होने के कारण, नंबर दस नशीली दवाइयों का यूज करने के कारण भी। तो फ्रेंड्स, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले हमें उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण का पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पैरालिसिस यानी कि लकवा के कुछ सिम्टम्स ये हैं। आमतौर पर पैरालिसिस यानी कि लकवा के लक्षण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। लकवा के मरीज को अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट का काम ना करने पर पता चल जाता है। कई बार किसी पार्ट को लकवा होने से पहले उसमें सुनपन आ जाना या फिर झुनझुनी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। तो फ्रेंड्स, लकवा होने पर आधा मुंह टेढ़ा हो सकता है या फिर हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा कुछ और लक्षण ये हैं, जैसे कि नंबर एक सुनपन हो जाना, नंबर दो सर में तेज दर्द का होना, नंबर तीन सांस लेने में प्रॉब्लम होना, नंबर चार मुंह में लार का गिरना, नंबर पाँच सोचने, समझने, बोलने और लिखने में परेशानी होना, नंबर छः मूड या बिहेवियर में बदलाव का होना, नंबर सात उल्टी के साथ नोजिया का होना, नंबर आठ पेशाब या इंटेस्टाइन के कंट्रोल में कमी का होना। इसके अलावा फ्रेंड्स, पैरालिसिस से बचने के कुछ उपाय ये हैं, जैसे कि नंबर एक रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, नंबर दो स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, नंबर तीन हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहिए, नंबर चार पूरी नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा पैरालिसिस यानी कि लकवा हो जाने पर ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, जैसे कि नंबर एक कोकोनट वाटर ज़्यादा पीना चाहिए, नंबर दो मछली खानी चाहिए, नंबर तीन चिकन ज़्यादा खाना चाहिए, नंबर चार फूल गोभी खानी चाहिए, नंबर पाँच ब्रोकली, नंबर छः पत्ता गोभी, नंबर सात पालक और मूली। इसके अलावा फ्रेंड्स, लकवा यानी कि पैरालिसिस होने पर जल्द से जल्द रोगी को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। इसके अलावा कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि नंबर एक एक्सरे, नंबर दो सीटी स्कैन, नंबर तीन एमआरआई, नंबर चार इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए निदा हेल्थ केयर। थैंक यू।